दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है, ओडिशा स्थापित करेगा निवेश प्रोत्साहन एजेंसी। ओडिशा सरकार ने जिला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों को स्थापित करने का निर्णय लिया है। ओडिशा सरकार का यह निर्णय राज्य में अधिक आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए है। ये एजेंसियां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सुविधा और संचालन के लिए समर्पित होंगी। ये सभी उद्यमियों और निवेशकों के लिए सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट के रूप में काम करेंगे। एजेंसियां एमएसएमई उद्यमियों को परियोजना निर्माण और क्षमता निर्माण से लेकर वित्त पोषण, उत्पादन शुरू करने और बाजार से जुड़ाव तक की सुविधा प्रदान करेगी। इससे उन्हें मौजूदा प्रावधानों के अनुसार सरकार से विभिन्न किस्म की सहायता प्राप्त करने में भी सुविधा होगी। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाने का भी निर्देश दिया है। एमएसएमई अर्थव्यवस्था के प्रेरक हैं और जिलों में उनके प्रचार से एक समान विकास होगा। इसके पायलट प्रोजेक्ट के लिए गंजाम, सुंदरगढ़ और जगत सिंहपुर को चुना गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट को अगस्त तक शुरू किया जाएगा। अगले चरण में अंगुल, बालासोर, जाजापुर, झारसुगुड़ा, क्योंझर, रायगढ़, संबलपुर में एजेंसियां स्थापित की जाएंगी। इन प्रावधानों के तहत अगले साल मार्च तक सभी जिलों को कवर करने का लक्ष्य है।